शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा ये ब्रह्मांड को चलाते हैं, तब धरती पर चार युग बीतने पर धरती पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होने के बाद प्रलय होता है, उसको मनु शत्रुभ का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं। तो ये मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर होने के बाद ब्रह्मा का एक दिन आता है, उसको कल ब्रह्मा का एक दिन माना, 1000 चतुर्युग माना, 14 मनवंतर, और साल में धरती पर 4,32,00,000,000 साल चला जाता है। इतना ही जितना दिन इतना ही रात होता है। तो कल प्रलय होता है धरती पर, केवल नहीं कल प्रलय माना, ब्रह्मा का एक दिन पूरा होने पर कल प्रलय होता है, तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, भूलोक भूभुरुलोक स्वलोक, तीनों लोग। स्वलोक में देवता रहते हैं, इस ब्रह्मांड का जो देवता है, जहाँ इंद्रपुरी कहते हैं ना, देवता क्या करते हैं, देवताओं का भोगी शरीर होता है, 24 घंटे खा पी के नाच गान करते रहते हैं। तो देवताओं का काम है भोग भोगना, क्योंकि इनका 3 तत्वों का शरीर होता है। तो जब भोग, तो इस ब्रह्मांड के अंदर कल प्रलय होता है। फिर ऐसे ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर महाकल प्रलय होता है। क्या होता है? महाकल प्रलय। तो महाकल प्रलय होता है तब शिव काल अग्नि पैदा करता है। क्या करता है? काल अग्नि पैदा करके 14 लोकों को आग में जला देता है, और पूरे अग्नि में, पूरे 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड को अग्नि तत्व में परिवर्तन करता है। और वो अग्नि तत्व से फिर वायु में, वायु से फिर आकाश तत्व, आकाश तत्व अहंकार तत्व से फिर, जो शिव निराकार से, शिव परमात्मा है। क्या है? शिव परमात्मा है, निराकार है, परम तत्व से उन्हें दुनिया बनाई, परम तत्व से दुनिया तत्वों की बनाई। मगर अब जब वाइंड अप करेगा तो सारा ब्रह्मांड उसने वाइंड अप किया, सारा ब्रह्मांड जो लय से विलय किया, तो एक पावर जो पावर से निकला था और पावर में समा गया, तो फिर दोबारा क्या हो गया? शिव परमात्मा सारा पावर में समा लिया, सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस समा लिया। जैसे अब साइंस वाले कह रहे हैं ना कि एक सूर्य, जो जिनको तारा बोलते हैं, तारा बोलते हैं, एक तारा जब सूर्य होता है, ब्लैक होल बन जाता है, तो अपने पूरे आसपास के कई सूर्य मंडल को खा जाता है, एक सेकंड के अंदर पूरे सूर्य मंडल को, ऐसे कई ब्रह्मांड के अंदर। तो एक ब्रह्मांड, तो ये शिव, शिव परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। विष्णु के 24 अवतार होते रहे, राम और कृष्ण जैसे, शिव के भी शास्त्रों में बताया 28 अवतार होता है, तो शंकर भी शिव का ही अवतार है विनाश करने के लिए। तो ऐसी तरह शास्त्रों में लिखा कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि शिव है। शिव जब जीव बन जाते हैं, परमात्मा से आत्मा बन जाते हैं, तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, इसलिए कहते हैं ना शिव, शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम, आत्मा सो परमात्मा, अनंत कोटि परमात्मा, शिव क्या है? परमात्मा। तो ऐसे अनंत कोटि परमात्मा है, तो अनंत कोटि शिव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना शिव करते हैं। और जब सारे अनंत कोटि परमात्मा जब ब्रह्मांड को अपने अंदर वापस विलय कर लेते हैं, समा लेते हैं, तब परम शक्ति खत्म हो जाती है, तब नेगेटिविटी उसके अंदर आती है, तब शिव का रचियता महाशिव है, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। बहल रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः, प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः, प्रमहसि पदे नेस्त्रैगुण्य शिवाय नमो नमः। कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं, क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदृष्टिः। इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। असितगिरिसमं स्यात्
कज्जलं सिंधुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं नयाति असुरसुरमुनीन्द्रे अर्चितस्येन्दुमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरनवद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमा भक्त्या शुद्धचित्तपुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायु पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महिषान्ना परो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्ति कलां नार्हन्ति षोडशी कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशशिधरमौले देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षित् दिव्य दिव्यं महिम्न सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमाना स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्त प्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रियता।